भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके अध्यक्ष और संस्थापक रहे और उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी को बनाया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे, 1897 से लंदन में रह रहे थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, एक ग्रुप था, जिसमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना शुरू किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना और ब्रिटेन में अपने पक्ष का प्रचार करना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए एक इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की थी। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा उनके सहयोगियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। लंदन के द टाइम्स तथा अन्य समाचार पत्रों ने श्याम जी तथा उनके साथियों की आलोचना की। इसके बाद श्याम जी लंदन छोड़कर पेरिस में बस गए और इंडिया हाउस का राजनैतिक नेतृत्व वीडी सावरकर ने संभाला। 10 मई 1908 में इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया। इसी समय वीडी सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी थी। इसी पुस्तक में 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। कर्जन वायली की हत्या लंदन में 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढीगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसके बाद वीर सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर नासिक षड्यंत्र कांड तथा अन्य अपराधों के चलते मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया।